कैन दिस वीडियो गेट 5K व्यूज? ओके सो आई विल गिव यू 5 seconds और else योर डिवाइस विल गेट एक्सप्लोडेड. 5, 4, 3, 2, 1. तो गाइस इस बार मैं आपको अपना माइनक्राफ्ट का घर दिखाने वाला हूँ. वैसे तो आप मेरे को जानते ही हैं, तो इस बार मैंने अपना फेस रिवील कर दिए 1 साल बाद. अच्छा, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड दिखाने वाला हूँ. तो पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर ब्रिज बना रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवार है. तो अंदर पहले आपको मैं चल के दिखाता हूँ. तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वाटर फाउंटेन टाइप का एक हाउस दिख रहा होगा, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जाती तो इसके अंदर हम घुस पाते हैं. और साइड में ही मैंने एक और मॉडर्न हाउस बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे क्वार्ट्ज ब्लॉक और वाइट कंक्रीट से बनाया है. इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ग्लास लगा रखा है. ये बिना बात के वेदर आ जाते हैं बार बार, इसलिए प्रॉब्लम होती है. तो फिर चलिए, फिर अभी तो मैं आपको इसका सबसे पहले रिव्यू दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर तो मैंने एंट्री गेट पे मैट लगा रखे हैं और यहाँ पे थोड़ा ऐसे थोड़ा इफेक्ट है ग्राफिक का, तो मैंने ऐसे थोड़े मैट लगा दिए ऐसी जमीन पे, ऐसी ऐसी जगह. साइड में आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 ब्लॉक्स यहाँ पे दूर मैंने बीकन लगा रखे हैं. नीचे पता ही है क्या लगाया होगा मैंने, इसके ऊपर ग्लास लगा दी तो ये रेड कलर का दिख रहा है पूरा. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेलकम टू ऑसीज हाउस, यानी कि ओम शर्मा क्रिएटिव आइडियाज, प्रेस द बटन टू ओपन. यानी कि मैंने इस पे पिस्टन और रेस्टोन ये सब मैंने जोड़ के इस पे गेट बनाया खुलने वाला. तो ये देखिए इसका गेट खुल जाता है ऐसे यहाँ पे एंट्री पे. चलिए अंदर चल लेते हैं. तो ये ऐसे भी खुल जाएगा अंदर की तरफ से भी. जैसे आप अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे आपको टॉर्चेस दिख रही होंगी दोनों जगह पे, और साइड में आपको यहाँ पे थोड़े फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे. पहले मैं आपको ये वाला चीज़ दिखा देता हूँ. तो आप लोग जानती होगी, कुछ वीडियोस देखी होगी आपने कि बीकन से एक फेंस गेट कैसे बनाते हैं. नीचे मैंने फेंस लगा दी, कुछ रेडस्टोन मैंने इसके साथ जोड़ा है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आगे नहीं जा पा रहा इसमें, तो जैसे ही मैं इस लीवर को दबाता हूँ तो यहाँ पे रेड की वजह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर के बीकन आ गए हैं. तो ये देखिए मैं बाहर जा रहा हूँ, ये स्विच की वजह से ये बंद और ओपन दोनों हो जाता है. और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्चेस लगा रखी है. यहाँ पे मैंने ये ऊपर मैंने ब्लॉक्स इसलिए लगा रखे ताकि बीकन यहाँ पे हर जगह होता है, तो इसलिए फिर वो ना दिखे. तो मैंने इसलिए 2 साइड पे छोड़ दिया. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही होंगे कि यहाँ पे मैंने फुटपाथ बना रखे है. तो डिजाइन देखिए आप इसका कि बीच बीच में इसके सी लैंटर्न जा रहे हैं. आप जैसे कि देख सकते हैं ये हर जगह है और बीच में एंट्री गेट पे यहाँ पे मैंने एक डिजाइन टाइप का बनाया हुआ है मैंने. तो पहले तो आप यहाँ पे इधर चलते हैं. तो आपको लग ही रहेगा कि गाड़ी कैसे आ गई इसमें. वैसे मैंने इसमें एक बॉन्ड जोड़ा है गाड़ियों का, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मैंने रख लिया. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गाड़ी को आगे बता रहा हूँ. मैंने एक मॉड डाउनलोड किया था तो ये इसका ही गाड़ी का. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक अगर आपको इसे डाउनलोड करना हो. तो अब हम जरा इधर चलते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने ये विलेजर्स लगा रखे हैं ट्रेडिंग के लिए. यहाँ पे देख सकते हैं एम्बरेंड ले रहे हैं ये ट्रेडिंग के लिए इतना कुछ. इसके ऊपर टॉर्चेस लगा रखी है मैंने यहाँ पे. आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन टाइप के जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं वो मैंने ऐसे सीधा करके ऐसे ऐसे स्लाइड में ऐसे लगा दिए. और इधर ही साइड में मैंने पेड़ लगा दिए थोड़े से. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डायनेमिक ट्रीज का एक और ये मैंने मॉड लगा रखे हैं ताकि ट्रीज थोड़े अच्छे लगे. जैसा कि आप देख सकते हैं वैसे तो ट्रीज बिल्कुल ऐसे सीधे होते हैं, इस पर देख सकते हैं कि थोड़े रियल लाइफ के थोड़ा लग रहे हैं ये. तो मैंने यहाँ पे ऐसे 2 लगा दिए हैं. इधर भी मैंने ऐसे थोड़े पौधे टाइप के लगा दिए, बीच पे पानी लगा दिया मैंने. सबसे पहले तो अंदर चलते हैं. पहले मैं ज़रा अपना टाइम चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. सामने आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है फॉर यू गाइस, आपके लिए ही बनाया मैंने. तो इस बुक में लिखा है दिस होल विलेज इज मेड बाय मी, आई डिडंट टुक फ्रॉम एनीवन, थैंक यू गाइस फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर मी. आपके लिए आपने मेरे को 500 सब्सक्राइबर दिए और 1 लाख व्यूज दिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो कीजिएगा कि आपको घर कैसा लगा.
ये मैंने गलती से दूसरा पेज खोल दिया, तो यहाँ पे मैं देख सकते कि ये सब मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताई दी ये। चलिए साइड में इधर चलते हैं बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज लगा जो थोड़ा डिजाइन आ जाए। यहाँ पे नीचे चलते हैं जरा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टोरेज रूम दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने वैसे तो चेस्ट रूम को डाल ही रखा, यहाँ पे मैंने पूरे स्टोरेज के लिए यहाँ पे चेस्ट रूम बना दिए है। और यहाँ पे इधर साइड में ही मैंने इंजेंटिंग टेबल के लिए बना दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पौधों के पीछे मैंने बुक्स लगा रखी है, वैसे दिख नहीं रही इसकी वजह से। तो इधर ही यहाँ पे मैंने आर्मर स्टैंड लगा रखा है। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे सीक्रेट प्लेस कहाँ होगी। वैसे तो आपको यहाँ पे मैंने दो जगह यहाँ पे सीक्रेट बेस बना रखी है, अगर आपको दिखती है तो देखते हैं। सबसे पहले सीक्रेट बेस तो यहाँ पे है, ये आपको लग तो नहीं रहा होगा कि ये सीक्रेट बेस लगती है, पर अगर आप ध्यान से देखिए इसे ऊपर करके नीचे करें तो आप यहाँ पे झुक के आ जाएंगे, और जब इस ट्रैप डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा खजाना। ये देखिए कितने सारे डायमंड ब्लॉक है, ये सब यू आर लकी छुपा के रखे मैंने सीक्रेट बेस में। और एक और यहाँ पे ऐसे सीक्रेट बेस है जो ये यहाँ पे है, आप जहाँ पे देख ही सकते कि आर्मर स्टैंड है। यहाँ पे मैंने ऐसे ओक लीव्स लगा रखे और यहाँ पे ट्रैप डोर लगा दी, ऊपर थोड़ी पेंटिंग लगा दी ताकि थोड़ा खाली ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे शुरुआत से सबसे हाई एंड वाले आर्मर है यहाँ पे। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, सीढ़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है, साथ में मैंने बटन लगा दी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने पॉट के साथ यहाँ पे फ्लावर्स भी लगा दिए। तो इधर ही आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी कम दिखेगा कि इधर तो आप वैसे इधर जा सकते हैं। और ये रही यहाँ पे सीक्रेट बेस जाती हुई, मैं ट्रैप डोर को खोल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, मैं अपना देख रहा था रिकॉर्डर। तो यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे ये देखिए इतना कुछ भरा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रा पड़ा हुआ है, यहाँ पे इंजेंटेड गोल्डन आर्मर पड़ा हुआ है, ये सब वगैरह वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसकी एक और सीक्रेट बेस पे मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। वैसे अगर आपको कवर करना है तो आप यहाँ पे ट्रैप डोर के साथ ऐसे कवर कर सकते हैं, ऐसे ही दिखेगा नहीं वैसे। चलिए ऊपर चलते हैं, और हमारे यहाँ पे बारिश आने लगी, क्या बात है। मैंने यहाँ पे वेदर क्लियर कर दिया। चलिए पहले तो हम घर के अंदर भी चल लेते हैं, मैंने तो घर दिखाया ही नहीं, घर तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वर्ल्ड की। देख ही सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे फुटपाथ मैंने छोटा सा बना दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ इसकी ये बॉटल लगा रखे है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि क्या लग रहा है आपको, रेड में आप ओ देख रहे होंगे और ग्रीन में आप एम देख रहे होंगे, यानी कि मेरा नाम। और साइड में मैंने हर जगह यहाँ पे सी लैंटर्न लगा दिए हैं ताकि थोड़ी रोशनी भी बने रहे। और जैसा कि आप घर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हर जगह वाटर लगा रखा है, मैंने ऊपर से ऐसे वाटर हर जगह लगा दिया, और यहाँ से मैंने स्टेयर्स लगा दी ताकि यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक स्पेस बच जाए और ये फैले ना। चलिए घर के अंदर भी चल लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे आप आर्मर स्टैंड देख सकते हैं, यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पे छोटे छोटे चेस्ट रूम बना रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सनडायल भी है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे टीवी भी बना रखे है, और ऊपर मैंने ऐसे ग्लास टाइप का जो वो नहीं होता मैंने ऐसे बना दिया, और इसके साथ मैंने चेन के साथ सी लैंटर्न जोड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेकोरेशन ब्लॉक्स रखे हुए हैं, कारपेट है यहाँ पे, और यहाँ पे बैठने के लिए ये भी है, यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐसे पौधे लगा दिए कि काफ़ी डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं, लोग कहते हैं कैटक्स के साथ ओक लीव्स काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने चारों तरफ लगा दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये इन्वेंटरी ये फर्नेस लगा दिए। और इधर ही आप देखेंगे यहाँ से इसका अच्छा व्यू शुरू होता है, तो ऊपर से आप आसमान देख रहे होंगे यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओक लीव्स लगी हुई है ताकि थोड़ा एटमॉस्फेयर बन जाए। यहाँ पे मैंने लैंटर्न भी लगा रखी है, और यहाँ पे बेड भी रखा है ताकि सो पाए हम। तो यहाँ पे ऊपर मैंने कारपेट भी लगा रखी है, अगर आपने देखा होगा तो। चलिए ये वाला घर तो हो ही गया है हमारा, चलिए अब हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं।
तो यहाँ तो मैंने काऊ और शीप लगा दी क्योंकि थोड़े यहाँ पे खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने एनिमल फार्म बना दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे तो मैंने क्रिएटिव मोड में जाके ये सब किया है, मैंने इनको मारा नहीं है। शीयर्स ये सब भूल निकालने के लिए इसकी, और साइड में आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ऐसे दो लोगों के लिए बना दिया ऐसे छोटा सा घर, फेंस लगा दी ताकि ये जा ना पाए वापस आगे। तो थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पॉन कर दी है ये। यहाँ पे मैंने छोटी सी ऐसे फार्मिंग बना दी है सिंपल वाली टाइप की, जैसे यहाँ पे पानी है यहाँ पे फार्म है, ये तो सिंपल है। मैंने इस पर ऑटोमेटिक फार्म भी बनाई, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो। तो अब हम ज़रा दूसरे घर में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इधर साइड साइड में ओक लीफ बना रखी है, यहाँ पे मैंने ऐसे छोटा सा कस्टम टाइप का पेड़ बना दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे चल लेते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मैंने लैंटर्न और यहाँ पे फ्लोर पे मैंने सी लैंटर्न लगा रखे हैं। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और ये सब वगैरह वगैरह मैंने लगा रखे हैं। यहाँ पे आर्मर भी मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे आप मान सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किचन बना रखा है। यहाँ पे आप इधर देख सकते हैं कारपेट मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे बेड है ताकि सो सके हम। यहाँ पे ऐसे मैंने थोड़ा डेकोरेशन टाइप के ब्लॉक लगा दिए, और यहाँ पे हर जगह आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने मिरर लगा रखे ताकि बाहर का व्यू दिखे। चलिए एक बार हम ऊपर चलते हैं, ऊपर एक बार सरप्राइज है मेरे लिए, आपको मैं सरप्राइज दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डॉग है मेरा छोई, ये जो पहले मेरा बहुत पहला डॉग था। मैं ज़रा गेट बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे चेस्ट रूम बना रखी है, यहाँ पे फर्नेस जुड़ी हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हर जगह ग्लासेस लगा रखे हैं, तो मैंने ज़रूरत चीज़ों के लिए मैंने ये सब लगा दिया है। और वैसे आप लोग जानते होंगे कि एक फ्रिज कैसे बनाते हैं वर्किंग वाला, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्पेंसर लगा दिया, यहाँ पे गेट के साथ आयरन आयरन और लगा दिया। तो यहाँ पे जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ब्रेड आ गई, ब्रेड को मैं वापस रख देता हूँ। तो ऐसे मैं जितनी बार बटन दबाऊंगा उतनी बार आती जाएगी। मैं लीवर भी इस पर लगा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी सी मैंने बालकनी बना रखी है ग्लास टाइप की। चलिए बाहर भी चल लेते हैं। मैं आपको इसका पहले पूरे घर का दिखा देता हूँ, मैं व्यू कैसे दिखता है। सामने से आप देख ही चुके होंगे, ये वैसे तो थोड़ा मॉडर्न लगता है, ये वहाँ का वेदर आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिजाइन टाइप से ऐसे बना रखा है, यहाँ पे मॉडर्न हाउस चारों तरफ का मैंने अब दिखा ही दिया है। चलिए एक बार हम इधर भी चल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही मैंने पीसेस लगा दिए यहाँ पे डेकोरेशन टाइप के। यहाँ पे आप इधर देख ही सकते हैं कि यहाँ पे फिश भी आपको कहीं दिख रही होगी, मेरे को यहाँ से दिख रही है वैसे। और यहाँ पे आप साइड साइड में ही देख सकते हैं मैंने ट्रैप डोर के साथ ओक प्लैंक्स लगा रखे ताकि थोड़ा और डेकोरेशन बढ़े आए। और आप फ्लोर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग टाइप और डर्ट और वुड के हिसाब से मैं ऐसे लगाया है, ट्रैप डोर भी है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए मैंने ऐसे कुर्सी भी बना दी इधर। चलिए यहाँ से बाहर भी चलते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये फाउंटेन जो मैंने बनाया है। फाउंटेन तो आप देख ही सकते हैं कि हर जगह से काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ऊपर ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इधर सी लैंटर लगा रखे ताकि रोशनी बनी रहे, और ऊपर से मैंने पानी छोड़ दिया। और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे भी मैंने ये सब लगा रखे हैं स्टोन के साथ, और मैंने इसे स्टोन स्लैब के साथ बनाए बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने इसे सी लैंटर के साथ मैंने थोड़ी डेकोरेशन बना दी है। यहाँ पे फेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर ट्रैप डोर हर जगह मैंने लगा दी है ऊपर और दाएं बाएं। तो इधर ही आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बाहर की जगह मैंने एक सिटिंग रूम बना दी है, यहाँ पे चार लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इधर ट्रैप डोर लगा रखे है आयरन की, और इसके ऊपर मैंने वूल लगा दी ताकि थोड़ा शेड टाइप का वर्क करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइन लगा दी ताकि थोड़ा ये लगे कि थोड़ा सोफा है ये। चलिए एक बार सामने भी चलते हैं, सामने आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ।
स्विमिंग पूल तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इधर तो यहाँ पे गेट ही लगे हुए हैं, गेट में जरा खोल देता हूँ। इसकी जो फिजिक्स है वो कमाल की लगी मेरे को माइनक्राफ्ट की। देखिए इतनी सारी स्पेस के बावजूद पानी कहीं नहीं जाता, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक ब्लॉक लगा रखा था सोल सैंड, तो उसके साथ मैंने कैल्प जोड़ के मैंने उसको तोड़ दिया। पहले मैंने सैंड लगाई थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है हमें यहाँ से। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पता ही होगा आपको, यहाँ से कूद सकते हैं हम, और ये हम कूदे, ये देखो कुछ ज्यादा ही ऊपर कूद गए हम। ऊपर जाने की तो ये है, और नीचे जाने के लिए मैग्मा ब्लॉक है। मैं जरा नीचे आ जाता हूँ, मैं गेट भी बंद कर देता हूँ। पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ऊपर नीचे जा जाने हम जा सकते हैं। और साइड में आपको हर जगह मैंने पौधे लगा दिए ताकि खाली लग जाता है यहाँ पे। मेरे पास कुछ बनाने के लिए ज़्यादा नहीं था तो मैंने बना दिया। चलिए मैंने तो अब इसका पूरा रिव्यू दिखा दिया है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बेस दिखा देता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लीवर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेड कलर का निकल रहा है, तो यानी कि रेड स्टोन ही होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप कुछ ग्रीन कलर का यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा होगा जो इन सब से मैच नहीं करता ग्लास ब्लॉक से, ये सब ग्रीन कॉन्क्रीट है। जैसे कि मैं आपको इस बटन को दिखाऊंगा तो यहाँ पे सीक्रेट बेस खुलेगी। तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स का मैंने ये सब बना रखा है, तो इसके लिए मैंने एक और यहाँ पे सीक्रेट वे बना दी थी। चलिए एक बार मैं ऊपर भी चल लेता हूँ और इसे बंद भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया, लीवर के साथ मैंने पिस्टन के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये ओपन बंद दोनों हो जाता है। तो गाइस अब मैं आपको जरा बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने तो आपको बता ही दिया था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेल मैंने क्यों लगा रखी है, आपको पता ही रहेगा। मैंने ऐसे छोटी सी टाइप की रेल बना दी है यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए। चलिए एक बार हम झूल भी लेते और देखते क्या है इसमें। तो हम नीचे जा रहे हैं पहले और फिर घूम घूम के ऊपर जाएंगे। तो पहले इस चारों जगह को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये चारों तरफ का। मैंने आपको दिखा दिया इसका व्यू घर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ लगा दी है। अब यहाँ पे घर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बना रखा है और अपना नाम भी लिखा हुआ है। और देखिए ये अकेले मैंने बनाया तो कितनी मेरे को मुश्किल लगी होगी, आप मेरे को कमेंट पे लिखिएगा कि मेरे को कितने दिन लगे होंगे इसे पढ़ने में या फिर महीने ही। चलिए वेदर भी आ चुका है, तो अब जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ से इधर से नीचे गिरे थे। ये वेदर ने हमारा सारा सीन खराब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप साइड में यहाँ पे देख रही होंगी कि यहाँ पे मैंने एक फार्म बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लग ही रहा होगा ये ऑटोमेटिक फार्म है क्योंकि इसके साथ मैंने रेडस्टोन कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे रिपीटर भी कनेक्ट किया हुआ है और सामने डिस्पेंसर किया हुआ है मैंने यहाँ पे, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तो आपको फार्म दिख रही है, अब मेरे को अगर चाहिए भी तो मैं इस प्रेस को सीधा बटन करूँगा मैं ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी से सारे के सारे ये आ गए यहाँ पे। चलिए मैं इसे बंद भी कर देता हूँ ताकि सारे के सारे नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नीचे आ गए यहाँ पे इस जगह पे। चलिए एक बार ले भी लेते हैं इन्हें, और ये देखिए मेरे पास कितना सारा आ गया सामान, इसके अंदर शायद और भी होएगा, नहीं इसके अंदर और नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे को वीट की स्टीम मिल गई और ये सब मिल गया, मैं इसे ज़रा रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी सीड हम भर चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ डिस्पेंडर्स के साथ वाटर बकेट लगा दिए हर डिस्पेंसर में, और यहाँ पे मैंने इधर साइड साइड में वाटर लगा दी ताकि ये थोड़ी सूखी ना पड़े है, तो सारी की सारी गीली है ये साइड साइड में। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे टॉर्चेस लगा रखे ताकि थोड़ी रोशनी बनी रहे ताकि मॉब स्पॉन हो यहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने इसे थोड़ी फेंस टाइप की बना दी ताकि थोड़ा रेल लगे, मैंने आगे की तरफ नहीं बनाई वरना व्यू ब्लॉक हो जाता, थोड़ा ऐसा लगता है दीवार बना दी मैंने। चलिए एक बार हम ब्रिज की तरफ भी चलते हैं।
तो यहाँ पे अभी तक देख ही सकते हैं कि शुरुआत में मैंने यहाँ पे लैंटर्न लगा रखी है और यहाँ पे मैंने कैंप फायर के साथ इतना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने कितना अच्छे अच्छे डिज़ाइन टाइप के मैंने क्रैक्टर्स लगा दिए लाइट और डार्क टाइप के, तो डिज़ाइन से आगे आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फेंस 5x5 ब्लॉक्स इसको स्पेस छोड़ के लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर लगा रखे और इस ऊपर फेंस के साथ, ताकि थोड़ा खाली ना लगे तो ऐसा लगे कि हम यहाँ से ऐसे कुछ व्यू दिख रहे हैं ऐसे, और सामने इधर साइड से भी ऐसा है। तो नीचे की तरफ मैंने हर जगह सी लैंटर लगा दी, इसके ऊपर कारपेट लगा दिए, तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितना अच्छा लगेगा ये ब्लू वो भी कारपेट के साथ, क्योंकि सी लैंटर भी ब्लू है तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप का भी, तो मैंने ब्लू लगा दिए थे। तो सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर चार टाइप के मैंने दे रखे, चार मैंने स्पेस दे रखे, ताकि फिर थोड़ा अजीब सा लग रहा था यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि फिर एक ब्लॉक मेरे को बड़ा करना पड़ता तो ख़राब हो जाता है फिर। तो सामने सामने हम चलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये कैंप फायर लगा के यहाँ पे एक टूल होता है, तो मैंने उससे भुजा दी इन सबको। तो इधर ही आप यहाँ पे देखेंगे मैंने छोटा सा यहाँ पे चेस्ट रूम बना रखा है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बोट के लिए बना रखा है चेस्ट, तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं बोट लगा के। अब लगता है मैं डीन का वो करने वाला हूँ, जो उसका ट्रिक शॉट टाइप का होता है, वो जैसे लावा में जाके एक बोट और दो बोट ऐसे चलाता है वो, वैसे मैंने किया नहीं कभी। चलिए मैं बोर्ड को भी हटा देता हूँ और चेस्ट रूम में रख देता हूँ मैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मैंने ट्रैप डोर लगा रखे, ताकि थोड़ा ये बन जाए। हाँ अब बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे तो स्टैंड ही थी यहाँ पे, मैंने इसके ऊपर ही ऐसे बना दी, फ्रेंड्स इस तरह जोड़ दी मैंने। चलिए अब हम वापस भी चल लेते हैं। अब तो मैंने इस घर का फुल व्यू दिखा दिया है, काफ़ी टाइम हो चुका है अब मेरे को। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, तो मैं इसको आपको एक बार रात का टाइम दिखाना चाहूँगा। रात का इतना अच्छा लगता है कि आप हैरान हो जाएंगे। टाइम सेट नाइट, तो यहाँ पे आप देख ही होंगे कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये इसका। इसका ब्रिज देखिए, ब्रिज मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, ये ऐसे ऐसे जाते हुए बिल्कुल चांद की तरफ। मैंने घर की ऐसी दिशा बनाई थी कि जहाँ पे ऐसे सूरज और चांद खिलते हैं, तो वहाँ पे मैंने उस तरफ बना दी। तो अभी आप देखी होंगी एंट्री कितनी अच्छी लग रही है, और यहाँ पे साइड साइड में मैंने हर जगह चारों तरफ सी लैंटर्न लगा दी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, ये सी लैंटर्न जो मैंने फुटपाथ पे बनाए हैं। और यहाँ पे आपको घर भी दिख रही होगी कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रेल भी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, और वहाँ पे पता नहीं क्या है, वहाँ पे मेरे को लग रहा था पहले कुछ नीदर टाइप का होएगा, मेरे को बड़ा लगा नहीं वो था नहीं वो। लीजिए वेदर भी आ गया, तो देख ही लोगे इसका फुटपाथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, फुटपाथ काफ़ी इसका वो लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो घर के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको लाइट्स दिख रही होंगी, और पानी के साथ कितना अच्छा लग रहा है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाइट वाइट कलर का आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इधर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इस शेडर पैक का मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, और मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी ट्विटर चैनल पे, तो ये थी वो वीडियो। तो मैं आपको मैं इसका लिंक भी दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप इसको इस शेडर सेम शेडर मैंने लगा रखे, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी एक फुल वीडियो बनाई है टी लॉन्चर पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रात का मैंने ऐसी व्यू दिखा दी। तो बेसमेंट भी काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को इसकी, बेसमेंट में चलते एक बार रात की। वैसे तो बेसमेंट पे ज़्यादा रोशनी भी नहीं आती, पर तब भी थोड़ी वैसे तो अच्छा लग रहा है। इसका स्टील हैंडल वाला जो ग्रो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ऊपर चलते हैं हम ज़रा। तो गाइस अब मैंने इसका रिव्यू दिखा ही दिया है, तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इतनी मैंने इससे मुश्किल से बनाया है, तो आप सोच ही सकते होंगे मेरे को कितने दिन और हफ्ते या फिर महीने कितने लगे होंगे, मेरे को कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। नीचे जब आप वीडियो पे जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्लीज दबाइएगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा एम है कि हमें कम से कम तो 50 लाइक मिले। अगर इस वीडियो को 5 के व्यूज़ मिलते हैं
तो प्लीज़ मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस वीडियो को 5K व्यूज़ मिले। मेरा तो टारगेट यही रहेगा क्योंकि मेरे को इससे बहुत मेहनत लगी बनाने में, तो ये डिज़र्व करती है 5K व्यूज़। तो बाय गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। आज तो मैंने अपना फेस रिवील कर ही दिया।